हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का थर्ड लेसन पार्ट 3, क्लास 10 केमिस्ट्री पार्ट 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो मैंने अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊंगा पार्ट 3, धातु तथा अधातु किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल किसे कहते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा धातु किसे कहते हैं, फिर अधातु किसे कहते हैं। धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण, रासायनिक गुण सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो दोस्तों, मेटल को पहले मैं बता दूं, फिर उसके मेटल के उदाहरण एग्जाम्पल। तो देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जो धातु होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं तथा वे धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे दिखाए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। तो धातु तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं धातु का एग्जाम्पल कौन सा है, यानी कि धातु जो है वे कौन कौन से हैं। तो मैं दो चार आप लोगों को बता दूंगा धातु। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं ले लिया नंबर एक धातु मेरा है कौन सा, जैसे मैं कापर ले लूं, आयरन, ये सब धातु हैं। कापर नंबर दो, आयरन नंबर तीन, आप ले लीजिए कोई भी पारा, मरकरी, सोडियम, कोई भी ले लीजिए पारा। नंबर चार, सोडियम। तो दोस्तों, बहुत सारे धातु हैं, आप याद कर सकते हैं, इसका प्रतीक भी आप लोग याद कर लीजिए। अब दोस्तों, ये हैं सभी धातुएं आदि। तो ये सब धातु हैं एंड धातु की ये डिफिनीशन थी एंड धातु के उदाहरण। अब मैं आप लोगों को बता दूं ये धनायन कैसे बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति कैसे करते हैं। तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति आप देख लीजिए कैसे करते हैं। जैसे मैंने ले लिया Na, क्या ले लिया, Na को कहते हैं सोडियम। तो सोडियम मैं ले लेता हूँ यानी कि Na। अब हम देखिए, इसमें होता है Na प्लस में होता है तथा ई पर एक माइनस होता है, इस पर एक माइनस होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन एक होता है। तो ये था दोस्तों, देखिए ये जो धातु है Na है वो प्लस में है यानी कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, त्याग दिया लेकिन तब भी ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो दूसरा दोस्तों देख लीजिए, जैसे मैंने ले लिया Mg। तो Mg पे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने इस पे माइनस होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Mg तो आपका रहेगा प्लस में तथा जो आपका ये होगा इस पर, हम जैसे आप सोच रहे हैं कि ई पर दो माइनस कर दे, नहीं, दो यहाँ कर दे, ई पर माइनस कर देते हैं, ऐसे हो गया दो माइनस। अब मैं एक ले लेता हूँ और तीन थ्री आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया एल्यूमिनियम यानी कि Al, मैं प्रतीक से लिख रहा हूँ, आप लोगों को प्रतीक याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये Al आपको यहाँ लिखना है एंड इस पर कितने माइनस होते हैं, तो इस पे टू प्लस होते हैं, इस पे थ्री प्लस होते हैं दोस्तों, उस पे एक प्लस होते हैं एंड इस पर आपका टू ई माइनस होता है। तो ये था दोस्तों मेरा तीन उदाहरण एंड मेरी आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है आपका धातु, क्योंकि ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ये भी धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं एंड ये भी धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं धातु का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण कौन सा है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण कौन सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं लाया हूँ चार इसके भौतिक गुण तथा दो रासायनिक गुण। तो पहले मैं देख लेता हूँ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण, तब हम देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो कि धातु विद्युत की सुचालक होती है। पहला इसका है कि धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि हम धातु में विद्युत को प्रवाह कर सकते हैं, उसमें विद्युत आसानी से चल सकती है। तो दोस्तों, अब इसी का उल्टा होता है अधातु में, जो विद्युत कुचालक होती है, जो अधातुओं में विद्युत की कुचालक होती है। तो ये है, मैं पहले धातु के बारे में बता दूं फिर अधातु।
नंबर दो मेरा क्या है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या? जो धातु होते हैं उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे तन्यता क्या है, किसी भी तत्व को लेकर एक रस्सी के समान अधिक लंबाई तक खींच दे, तो वही तन्यता। जैसे सोना लीजिए आप, 1 ग्राम में बहुत लंबी खींच सकते हैं, तो ये हो गया आपका सोना। तो सोना में तन्यता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों ये है तन्यता का गुण धातुओं में पाया जाता है, यानी कि सोना भी आपका एक धातु है। नंबर तीन आपका है धातुओं में आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। क्या? आघात वर्धनता। अब आघात वर्धनता जैसे किसी चीज़ को हम पीट दें एंड चादर के रूप में हो जाए, चादर के रूप में यानी कि चपटा सा हो जाए, तो और लंबा लंबा हो जाए, तो वही होता है आघात वर्धनता। तो इसमें तन्यता आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है एंड विद्युत की सुचालक होती है। मेरा लंबा लास्ट क्या है, लास्ट नंबर चौथा नंबर कि धातु में विशेष धात्विक चमक होती है। दोस्तों इसमें चमक होती है, यानी कि आप सोना ले लीजिए तो बहुत ही चमकेगा, चांदी ले लीजिए वो भी बहुत ही चमकेगा, जबकि अधातु में ये गुण नहीं पाए जाते हैं, ये चमकता नहीं है अधातु, लेकिन ये धातु जो होते हैं ये बहुत ही अत्यधिक चमकदार होते हैं। तो दोस्तों ये थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बताऊंगा इसका रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इसका केमिकल प्रॉपर्टी मैं दो लाया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों पहला मेरा है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया एक करके क्या बनाता है। धातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो चलिए मैं एक धातु ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया Mg मैग्नीशियम। तो मैंने ले लिया Mg, मैग्नीशियम को ले लिया दोस्तों। मैग्नीशियम को लेने के बाद मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम लेंगे 2 अणुओं के साथ एंड तब Mg को भी हम कर देंगे 2 अणु, क्योंकि मैंने पहले बताया इस पे 2 प्लस होते हैं, तो इसे हम कर देंगे 2। तब ये होगा बैलेंस, क्योंकि इधर आपको क्या लिखना है, देखिए इधर आपको लिखना है MgO। अब देखिए यहाँ 2 लगा देंगे तब हो जाएगा ये समीकरण बैलेंस। तो दोस्तों देखिए जब इससे अभिक्रिया किया तो क्या बना, तो आपको लिखना है जब ऑक्सीजन से कोई भी धातु अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, ऑक्साइड। जो धातु का होता है धातु का ऑक्साइड बना देती है, जैसे ये धातु है Mg, इसका ऑक्साइड बना दिया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों ये थी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब आगे देखेंगे धातु का जल के साथ अभिक्रिया, तो ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको सीधा लिख देना है जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु का ऑक्साइड बना देती है। अब आगे एक और देख लीजिए, अब है मेरा धातु का जल के साथ अभिक्रिया। जो धातु होती है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो आइए मैं बता देता हूँ दोस्तों धातु का जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु आप चाहे जो ले लीजिए, Na ले लीजिए, जिसका सोडियम, जिसका परमाणु भार 23 तथा परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो आपको परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए Na। एंड मैंने लिया जल, तो जल को लिखेंगे H2। H2 होता है जल का फार्मूला, तो जब मैंने लिया जल MH2O, तो अब देखिए मैंने इस मैं इधर कर देता हूँ, देखिए जब जल Na यानी कि सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो NaOH बनाएगा, क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2, तो ये तो निकल गया। लेकिन अभी ये समीकरण ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस अवश्य ही होना चाहिए समीकरण, क्योंकि यहाँ Na एक है, एक है यहाँ H2 2 है, जबकि इधर H2 3 है, तो इधर मैं कर देता हूँ 2, इधर मैं कर देता हूँ 2, तो 2 Na हो गया एंड 2 इधर भी Na हो गया। अब देखिए दोस्तों इधर मैं कर देता हूँ 2, तो इधर हो जाएगा H2 कितने हो गए, 4, और इधर हो गए 2 एंड 2 4, तो 4 H2 हो गए। अब वो इधर कितने हैं, इधर 2 हैं एंड इधर भी 2 हैं, इसका अर्थ है ये समीकरण जो है बैलेंस हो चुका है, एक इसका अर्थ है सही है। अब ये हमारा क्या बना, तो ये है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए OH है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये मैंने बताया 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एंड ऐसे समझ में आता रहेगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को
दिखा दूं कि देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को एकदम याद रखना है, रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अब आगे बढ़ूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए मैं अब बताता हूँ आधातु। अब आधातु किसे कहते हैं? देखिए मैंने बताया पहले धातु, अब मेरा है आधातु। तो आधातु देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहते हैं? नॉन मेटल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो दोस्तों अब आपको जानना चाहिए आधातु का डिफिनेशन, क्योंकि आधातु आप पढ़े लेकिन उसका डिफिनेशन ना जाने तो अच्छा नहीं है। देखिए आधातु किसे कहते हैं, तो चलिए बता देता हूँ। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके उसमें, देख धातु में त्याग करके, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, यानी कि जो धातु है वो त्यागता है एंड आधातु ग्रहण कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो धनायन, ये ऋणायन, ठीक उल्टा है, आधातु कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। तो दोस्तों फिर से देख लीजिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं आधातु कहलाते हैं। तो आधातु, अब इसके देख लेते हैं भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण चलिए देख लेते हैं दोस्तों आधातु का। तो मैं लाया हूँ इसका भौतिक गुण, तीन भौतिक गुण लाया हूँ और ये तीन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए नंबर एक, आधातु विद्युत की कुचालक होती है, एंड जो आपका धातु था उसमें धातु विद्युत की सुचालक होती है, ठीक उल्टा है। एंड फिर है धातुओं में भंगुर का गुण पाया जाता है। आपके एक नंबर में पूछा जाता है कि धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, आपके टिक लगाने के लिए आ जाता है, तन्यता, आघात वर्धनता या भंगुर। तो आपको लगाना है भंगुर। तो अधातु में कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुर का गुण। अब भंगुर आप लोग पूछ रहे होंगे, ये देखिए ये खींचने में लंबा नहीं होगा एंड पीटने में ये चादर की तरह नहीं होगा, इसे आप मारेंगे तो टूट जाएगा, शीशा की तरह फूट जाएगा। अब नंबर तीन क्या है, इसमें कोई चमक नहीं होती है। तो जो ये होती है इसमें कोई चमक नहीं होती, सब विपरीत है। तो उसमें चमक होती थी, इसमें कोई चमक नहीं होती है। ऐसे आप इसमें और लिख सकते हैं कि इसमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे आप कई गुण या भौतिक गुण लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका केमिकल प्रॉपर्टी, इसके रासायनिक गुण दोस्तों। तो दोस्तों अब आप आधातु का केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण देख लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। 7 नंबर में ऐसे आएंगे कि धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखिए, आधातु के, ये सब आपके 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो यह इसका रासायनिक गुण। जब अभिक्रिया है तो ये आपका रासायनिक गुण है। तो आधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अब दोस्तों जब आधातु लेते हैं उसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? तो आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया धातु में भी है, आधातु में भी है, आप तो के साथ याद रखें। फिर देखिए दोस्तों, जैसे मैं ले लेता हूँ एक आधातु सी ले लें, तो सी का जब मैं ओ टू के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो सी ओ टू बनता है। क्या बनता है? सी ओ टू, यानी कि उसी का डाइऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं और ले लेता हूँ एक, देखिए मैं ले लेता हूँ सल्फर। क्या ले लेता हूँ? तो जब मैं इसका अभिक्रिया कराऊंगा ओ टू से तो ये बनाएगा एस ओ टू। क्या बनाएगा? एस ओ टू। तो दोस्तों मैंने लिया सल्फर और ऑक्सीजन के साथ कराया अभिक्रिया तो उसी का डाइऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए मैं लिख देता हूँ बगल में ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है आपका कार्बन एंड कार्बन, तो इसके साथ डाइऑक्साइड जोड़ दें क्योंकि इसका डाइऑक्साइड बना देता है डाई ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसका बनाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो दोस्तों ये थे दो आधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो अब मैं एक और लाया हूं इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो दो केमिकल प्रॉपर्टी मैं इसका भी लाया हूं। तो नंबर दो है आधातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो आधातु का जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो चलिए देखते हैं। तो आधातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, देखिए जो आधातु होती हैं, आधातु आधातुएं जो होती हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं करती हैं? तो देखिए आधातु तन अम्ल तथा जल के साथ क्रिया नहीं करती, अर्थात यह तन अम्लों तथा जल से H2 विस्थापित नहीं करती हैं। देखिए
आधात जो होती हैं ये इसलिए अभिक्रिया नहीं करती हैं क्योंकि ये जो H2 होता है इसे विस्थापित ही नहीं कर पाती हैं। तो जब विस्थापित नहीं कर पाएंगी तो अभिक्रिया नहीं होगा। तो ये आधात का अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते, जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते। अब मैं एक और बता देता हूँ, क्योंकि अभिक्रिया एक और दिखा देता हूँ तुम लोगों को। देखिए नंबर 3 है, हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं। मैं हाइड्रोजन के साथ इसका अभिक्रिया करा देता हूँ। हाइड्रोजन का जब आधात के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? तो जब हम चलिए करा देते हैं। देखिए मैं कोई भी आधात तो ले लूँ, देखिए मैंने यस ले लिया, सल्फर ले लिया, तो इसका जब मैं कराया हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया तो हमारा क्या बना? तो देखिए दोस्तों, ये पहले आपको इसे लिखना है क्योंकि ये कहीं सूत्र आप देखे हैं, SH2 नहीं देखे होंगे, H2S आप जरूर देखे होंगे। तो इससे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस जो मेरा पदार्थ बना, उत्पाद बना, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना। ये आपको आगे कर देना है, जब सल्फर के साथ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करना है। जैसे एक और देख लीजिए, मैंने ले लिया N2+H2, यहाँ 3 कर देना है बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ दोस्तों NH3 कर देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ 2N है एंड यहाँ 6, तो ये आपका क्या है? तो ये आपका NH3, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ये आपका क्या है? तो आप लोगों को नहीं पता होगा तो लिख देता हूँ मैं, अमोनिया। अमोनिया। तो दोस्तों ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आधातु की। तो मेरी आशा आप लोगों को पूरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा एंड आधातु एवं आधातु के बारे में पूरी जानकारी जान गए होंगे। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा फिर से देख लीजिए पूरा। देखिए जैसे आपका धातु है, अब धातु में वे इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देते हैं, हम धनायन बनाने के परिवर्तित रखते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो मैंने कुछ लिया एग्जाम्पल, जैसे कापर, आयरन, पारा, सोडियम आदि। तो देखिए इसमें जो Na है वो प्लस में है यानी कि ये धातु है, Mg है वो प्लस में है यानी कि धातु है, Al यानी कि एल्यूमिनियम है वो प्लस में है यानी कि धातु है। अब इसके मैं आप लोगों को शॉर्ट में दिखा देता हूँ भौतिक गुण। तो दोस्तों इसके कुछ भौतिक गुण हैं 4। देखिए धातु विद्युत की सुचालक है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन आप सही से याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने नोट्स में उतार सकें। धातुओं में आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है और धातु हमेशा चमकती रहती है। इसकी रासायनिक गुण आप जानते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उसी को ऑक्साइड बना देती हैं एंड धातु का जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्साइड बनाती हैं एंड आधातु यानी कि नॉन मेटल अब आ गया। अब नॉन मेटल किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, आधातु कहलाते हैं। तो आधात के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो देखिए आधात विद्युत की कुचालक होती है, इसमें विद्युत नहीं प्रवाह कर सकते हैं। और नंबर दूसरा है, आधात में भंगुर का गुण पाया जाता है एंड इसमें कोई चमक ही नहीं होती है। दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी रासायनिक प्रॉपर्टी। तो रासायनिक भी काफ़ी छोटा है, मैं लाया हूँ 3-4 प्रॉपर्टी। आधात का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जब आधात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसी का कार्बन डाई यानी कि डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। एंड और देख लीजिए दोस्तों, आधात का अम्ल के साथ अभिक्रिया, आधात जो होती हैं वो अम्ल तथा जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं, अम्ल तथा जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं। एंड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन से जब ये अभिक्रिया करेंगी देखिए एक एक पदार्थ बनाएंगी, जैसे अमोनिया बना दिया एंड ऐसे आपके कई पदार्थ बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आधातु एवं धातु के बारे में पूरी जानकारी और मेरी आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए धातु एवं आधातु के टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सरवन लेक्चर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो जो नए वीडियो भेजता रहूँ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।